गाइस, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम बैक टू माय चैनल फुल थ्रॉटल 94। सो आज के डेट में हम रिव्यू करने वाले हैं KTM ड्यूक 125। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू KTM चंद्रशेखर, मतलब अक्रांत भाई। तो आपको भी KTM का कोई भी गाड़ी देखना हो या फिर हस्कोना का कोई भी गाड़ी देखना हो, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Listen to my words, gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. सबसे पहले मैं इसका प्राइस आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो कि 150,000 से स्टार्ट हो रहा है। ये एक शोरूम प्राइस है। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसके टोटल दो कलर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑरेंज कलर, सेकंड कलर जो है वो व्हाइट कलर का है। बाइक में आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल रहा है। तो ये फ्रेम का डिजाइन आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाइक के वेट के बारे में बात करें जो कि 159 kg है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 mm का है। इस बाइक में आपको डुअल डिस्क के साथ सिंगल चैनल ABS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। फ्रंट में जो डिस्क है वो 300 mm का है एंड रियर में जो डिस्क है वो 230 mm का है। शुरुआत करते हैं फ्रंट से, तो हेडलाइट पर आपको हेलोजिन बॉल देखने को मिल जाता है, और उसके साइड में ही दो DRLs है जो कि सिग्नेचर है KTM का। ब्लिंकर्स की बात करें तो इसमें आपको LED ब्लिंकर्स मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको USD फोक्स मिल रहे हैं जो कि WP अपेक्स की तरफ से हैं, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है ये बोथ साइड्स में है। फ्रंट में जो व्हील है वो 431.8 mm का है, और इसका जो डिस्क है उसका साइज 300 mm है, और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है जो कि फ्रंट में है। फ्रंट में आपको MRF कंपनी का टायर मिल रहा है जो कि ट्यूबलेस टायर है। अगर इसके साइज के बारे में बात करें जो कि 110x70 है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका इग्निशन का इंडिकेटर है, इसके साइड में माल फंक्शन इंडिकेटर, और यहाँ पर आपका न्यूट्रल लाइट है, और ये रहा आपका RPM मीटर, उसके नीचे आपका स्पीडोमीटर है, और उसके नीचे यहाँ पे आपको साइज टाइम इंडिकेटर दिखाता है। अभी फिलहाल के लिए फ्यूल कम है तो लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है, और अभी आप देख रहे हैं साइज टाइम इंडिकेटर दिखा रहा है, और यहाँ पर आपका गियर इंडिकेटर है, और यहाँ आपका फ्यूल इंडिकेटर है। बीच में आपको टाइमिंग देखने को मिल जाता है, और इस साइड में आपका कूलेंट का टेम्परेचर इंडिकेटर है। तो मोड से आप अपना ट्रिप वन ट्रिप टू चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका ओडोमीटर भी है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 13.5 लीटर है, और ये रहा आपका फ्यूल टैंक का लीड जो कि ब्लैक कलर में है। तो ये व्हाइट एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फेयरिंग पर आपको ड्यूक 125 स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। तो ये जो इंजन है ये BSS कंप्लायंट है, जो कि 125cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसमें आपको टोटल 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है विथ फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी। पावर फिगर्स की बात करें तो ये इंजन 9250 RPM में 14.5 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 8000 RPM में 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इंजन का पावर डिलीवरी मैं राइड के दौरान आपको शेयर करने वाला हूं। तो ये रहा आपका लिक्विड कूल रेडिएटर, और उसके नीचे आपको स्टाइलिश इंजन काउल मिल रहा है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है जो कि 10 स्टेप एडजस्टेबल है। वैसे KTM के बहुत सारे फैन हैं, लेकिन कई सारे लोग एक ही कंपनी देती है। इसका वायरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वायरिंग आपको दिख रहा है। तो हर जगह कुछ ना कुछ वायरिंग आपको दिखाई देता है, तो KTM को इसके ऊपर काम करना चाहिए। रियर में जो डिस्क है अगर उसके साइज के बारे में बात करें जो कि 230 mm का है, और इसमें आपको बाइब्रे का ब्रेकिंग सिस्टम मिला है बोथ फ्रंट एंड बैक। रियर व्हील साइज की बात करें जो कि 431x8 mm का है, और इसमें आपको MRF कंपनी का टायर मिला है जो कि ट्यूबलेस टायर है। साइज के रिगार्डिंग बात करें जो कि 150x60 है। कमिंग टू द रियर, तो रियर में आपको LED टेल लाइट मिल रहा है, और यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स मिल रहे हैं। तो इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर आपको एक सारी गार्ड मिल रहा है विथ रियर हगर। पीलियन के लिए अच्छा खासा स्टाइलिश ग्रैब रील मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। तो सीट का कंफर्टेबल एंड हैंडलिंग, ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड के दौरान शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ, देन वी विल राइड दिस बाइक। जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द इंजन। तो आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी मैं इसका इनिशियल पिकअप एक बार चेक करूंगा।
ओके, इनिशियल पिकअप की बात करें तो काफी हद तक सही है, वैसे 128 सीसी का इंजन है, लेकिन इनिशियल पिकअप क्वाइट गुड और टर्न में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि शॉर्ट हैंडल है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें टोटल आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। मिड रेंज की बात करें तो बाइक का पावर डिलीवरी काफी हद तक सही है, काफी लीनियंट है, लेकिन एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, स्विच क्वालिटी की बात करें तो काफी फिट एंड फिनिश स्विच है और इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये रहा आपका पास साइड का स्विच, ये रहा आपका हाई बीम एंड लो बीम का स्विच, उसके नीचे टर्न्स का स्विच है और उसके नीचे हॉर्न का स्विच है, इस साइड में आपका किल स्विच है, उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट का स्विच। बाइक का जो पावर थ्रो है वो मिड रेंज में पता चल जाता है कि बाइक खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। तो ये 120 सीसी का इंजन है, एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे, जितना है काफी है। तो थ्रू आउट जो मैंने चेक किया कि इनिशियल पिकअप काफी हद तक सही है, मिड रेंज में आपको पता चल रहा है, लेकिन जैसे आप हाई रेंज मतलब 6000 आरपीएम क्रॉस करते हैं बाइक का जो पावर डिलीवरी है बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। हालांकि एक सॉलिड हैंडल बाइक है, अच्छा लग रहा है चलाने में और सीटिंग पोजीशन काफी हद तक सही है, सीट एज यूजुअल थोड़ा सा स्टिफ है तो इसके ऊपर केटीएम को काम करना चाहिए। तो इस बाइक को आप लॉन्ग ड्राइव में लेके जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बैक में नहीं होगा क्योंकि सीटिंग पोजीशन ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, आप देख सकते हैं मैं काफी स्ट्रेट बैठा हूँ और बाइक का हाई भी काफी हद तक सही है। ऑन रोड सस्पेंशन बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, इतने गड्ढे फील आपको नहीं होने वाले हैं, लेकिन मेरा वाला टेस्ट मैं हमेशा करता हूँ, आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, मैं हमेशा रंबल्स पर इसका टेस्ट करता हूँ। ओके, सस्पेंशन में एक बार देख लेते हैं। ओके, तो रंबल्स में सस्पेंशन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो मेरे साइड से थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक है। थ्रॉटल का जो रेस्पॉन्स है उसमें आपको मैं बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक देने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसका थ्रॉटल का रेस्पॉन्स, ऐसे जगह में ब्रेक टेस्ट करने का बहुत ही मजा अलग होता है। तो पहले पीछे का ब्रेक एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, पीछे का ब्रेक काफी हद तक सही है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, बाइक भी काफी हद तक पावरफुल है। तो फ्रंट का ब्रेक यहाँ पे चेक नहीं हो सकता, थोड़ा सा आगे जाके चेक करूंगा, खाली रोड चाहिए। तो फ्रंट का ब्रेक यहीं पे चेक कर लेते हैं। ओके, काफी पावरफुल बाइक है क्योंकि इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है जो कि फ्रंट में है। तो ऑलरेडी आपको पता होगा डोमिनार में मैंने आप सभी को शेयर किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो स्विच सेक्शन के साइड में ही इंडिकेटर्स है, मतलब जो रात में चलते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो मैं इसका थोड़ा बहुत फैन हूँ। तो ऐसे एनएच में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, उस हिसाब से आप उसे मैनुअल कर सकते हैं, गियर शिफ्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे खास करके क्योंकि मैं बहुत इजीली गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, अप करने में कोई दिक्कत है नहीं, डाउन करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो बाइक ना ओवरऑल एक छोटा सा फुल पैकेज बाइक है। तो आफ्टर मार्केट कुछ लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टर स्टे लगा देते हैं और टॉपर्स के लिए भी जगह बन जाता है इस गाड़ी में, तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टूर में जाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। सेव फ्यूल यानी सेव मनी, काफी भीड़ है तो आपने देखा यहाँ पे मैंने किल स्विच को दबाया तो यहाँ पे किल स्विच दिखा रहा है। तो ये जो सारी छोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही सही है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज है, केटीएम में ना बाइक को रेप देने का मजा ही कुछ और होता है यार। हाँ, इसमें मेन टेस्ट होता है कैसा सस्पेंशन, वाह काफी स्मूथ है यार। तो यहाँ पे कंटिन्यूस खड्डे हैं, मैं चेक करता हूँ, 1 2 3 वाह काफी स्मूथ है। मैंने जो भी आपको इंक्लूड शेयर किया बाइक में आपको कौन सी पार्ट अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं हर कोई कमेंट पढ़ता हूँ उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। तो इस बाइक में मिरर्स है नहीं इसलिए मिरर का इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा कि मिरर में कितना रियर व्यू दिख रहा है, उसके लिए बहुत ही माफी चाहता हूँ। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो पे लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, वी आर ऑन द गियर्स। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they